चले चल। ये बताइए आपके शादी के लिए कितना साल हुए हैं, यहाँ पे देखिए आपके शादी के लिए शादी हो के कितने साल हुए और आपको क्या तकलीफ है पति से जो आपने उनके ऊपर कंप्लेंट दायर की है। जब से शादी हुई तब से ही परेशान है, एक हफ्ता भी नहीं हो तब से गाली गलौज, ससुर तो इतना सताते पूछो मत, तब से बच्ची 3 साल होने आई है, बच्ची को भी नहीं पूछते ना, बच्ची को जो खर्चा होता औरत को भी खर्चा होता वो भी नहीं दिया, मैं बोलते मेरी बच्ची है ही नहीं, बोलते गली वाली की बच्ची। इसके पहले आपने पुलिस या किसी महिला मंडल से संपर्क किया था और उनसे क्या आपको रिप्लाई मिला था? महिला मंडल में पहले पुलिस स्टेशन गई थी जब पहले मारे थे 4 साल पहले, तभी वहाँ से कुछ नहीं समझा था, कर फिर मैं महिला मंडल गई, वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ, फिर अभी पुलिस स्टेशन गई तो नहीं हुआ। आपको क्या क्या परेशान कर रहे थे और कौन कौन परेशान कर रहे थे? नाना नाके गाली देती, माँ को ऐसे गंदे गंदे बोलती है, सास ससुर मेरी गालियाँ देते, आदमी तवे से मारे, तवे से मारे, हाथ पे मारे डंडे डंडे से, सब जगह तक पेट पे मारे। अगर ये कोर्ट में अभी केस दायर हुआ है, होने जा रहा है, इसके बाद अगर समझौते का ऑफर आपको आता है अदालत के थ्रू, तो आप समझौता करना चाहोगे या सजा दिलाना चाहोगे आपके पति को, या जो भी आपको परेशान कर रहा है उनको आप सजा दिलाना चाहोगे? समझौता होगा तो जाऊंगी, अगर नहीं होगा तो फिर मेरी बच्ची के लिए मैं लड़ूंगी। आप इंसाफ के लिए कहाँ तक जाना चाहोगे, क्या है आपका अगला कदम रहेगा? कोर्ट मेरी बच्ची का मेरा फैसला अच्छे से करेंगे तो ठीक है, फिर मैं कोर्ट की तरफ से अच्छे से हो जाएगा तो जाऊंगी, अगर मेरा कोर्ट इंसाफ नहीं करेगा तो मैं लड़ूंगी। तो बच्ची मेरी नहीं है, जाम लगा।